नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हो द ट्रेलर रिएक्शन शो। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर को 12:42 की एक और फिल्म का आ चुका है ट्रेलर। फिल्म का नाम तो आप जानते हो, फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये फिल्म रीमेक नहीं है, जैसे कि आई थी ना पुरानी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उससे इंस्पायर नहीं है और ना ही उसकी रीमेक है। फिल्म का सिर्फ और सिर्फ नाम सेम है, लेकिन फिल्म की कहानी और फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी अलग है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि फिल्म का आ चुका है ट्रेलर और क्या कुछ खास है फिल्म में देखना है जो कि हमने बाकी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखा है। हालांकि ऐसी फिल्मों को हमने हॉलीवुड में कई बार देखा है। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 आई थी, हॉब्स एंड शॉ आई थी और काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन क्या ये फिल्म, यानी क्या ये बॉलीवुड की ये फिल्म उस लेवल की फिल्म है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था या फिर नहीं। दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ में सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और आलिया एफ, और फिल्म को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने, जिसके बाद बात करेंगे कि ये फिल्म कैसी है और ये फिल्म आपको 3D में देखने मिलने वाली है। तो आप फिल्म का ट्रेलर देख सकते हो यहाँ पे। बहुत ही बड़े स्केल पे शूट किया गया इस फिल्म को और जो कि वॉइस है ये पृथ्वीराज की है, जिन्होंने हिंदी डब खुद किया है। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है। बदला, सेम बदले की कहानी पठान में हम देख चुके थे। प्रलय, वॉइस काफी अच्छी है। बजट फिल्म का काफी हाई है, 400 करोड़। पूजा एंटरटेनमेंट, AAZ, अली अब्बास जफर। ठीक है, दम है। डायलॉग भी काफी अच्छे हैं। वासु बगनानी एंड पूजा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। कॉमेडी के पंच भी है इसमें। फिल्म की एक्चुअली पूरी कहानी आपको ट्रेलर में देखने मिल गई। एक विलन है, उसने कुछ चुराया है, दो बंदे आएंगे बड़े में छोटे मियाँ, उसे रोकेंगे और फिल्म खत्म। बस यही फिल्म की कहानी है। कुछ ये साइंस फिक्शन वाली फिल्म है। ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। सुल्तान एंड टाइगर जिंदा है। दिस ईद ये फिल्म 3D भी आ रही है। सोनाक्षी सिन्हा के सिर्फ एक ही लुक है। द वर्ल्ड एंड रेजिमेंट का सोल्जर जितना सख्मी होता है, हीरो विल राइज, ज्यादा खतरनाक होता है। बड़ी मियाँ छोटे मियाँ पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे की जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। अली अब्बास जफर 3D एंड IMAX में आ रही है। पैन इंडिया फिल्म। और दोस्तों ये था बॉलीवुड फिल्म बड़ी मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिल्म का ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और फिल्म के ट्रेलर में फिल्म की पूरी स्टोरी बता दी गई है। हालांकि फिल्म का जब टीज़र आया था वहाँ तक कहानी ठीक थी, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में आपको पूरी स्टोरी साफ नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ आप इसको बड़े पर्दे पर देखने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ एक बड़े फिल्म की तरह, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको फिल्म की कहानी पता है कि दो
हीरो हैं, एक विलन है और कुछ वो चुराएंगे। और इसके लिए उन्होंने दो एजेंट हायर कर रखे हैं जो कि सोनाक्षी सिन्हा और आलिया आईएफ, और यही फिल्म की कहानी है। तो क्या ये फिल्म चल सकती है फिल्म? लेकिन हाँ, अगले महीने यानी अप्रैल के मंथ में ये फिल्म चल सकती है क्योंकि उस समय कोई भी बड़ी फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा है। मैदान फिल्म भी आ रही है अजय देवगन की इस फिल्म के साथ में। तो क्या आप मैदान देखोगे या फिर बड़े में छोटे में देखोगे, कमेंट में जरूर बताएं। और फिल्म के ट्रेलर से मुझे वॉर और पठान की याद जरूर आई। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म वॉर और पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या किसी लेटेस्ट जानकारी में। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड द रिव्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।